सामंतियों के छाती पर साइकिल के घंटे बजाकर स्कूल जाता है तो लगता है कि नीतीश कुमार का नया बिहार और तेजस्वी यादव का नया बिहार आ गया है। मैं यह कहना चाहता हूं महोदय, आगे मैं कहना चाहता हूं महोदय, चाहे वह उद्योग की बात हो, चाहे ग्रामीण विकास की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे और कोई बात हो, आज बिहार में, आज इससे पहले अभी हमारे साथी विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, आज इससे पहले इन्हें के दल के लोग स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, भाई मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री थे और जिस दिन से उन्होंने बिहार में स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला उस दिन में बिहार से वह मंगल होने लगा। लेकिन जब सरकार बदली और हम लोगों के नेतृत्व में जब सरकार बनी, जिस दिन से बाबू तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं उस दिन से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है और लोगों की जीवन में मंगलमय हो रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आगे मैं कहना चाहता हूं, आज ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय माननीय सरवण बाबू को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ, ग्रामीण विकास में बहुत सारे काम हुआ है। एक ऐसा समय था महोदय जब लोग को जो है घर के अभाव में बाहर में भीगना पड़ता था, सोना पड़ता था, ग्रामीण सड़क के अभाव में कीचड़ में चलना पड़ता है। लेकिन आज वह ऐसा समय आ गया है महोदय कि लोग को इंदिरा आवास के तहत लाभ दिया जा रहा है, लोग के गली नली और सड़क बनाया जा रहा है, लोग को उनके सुविधा के अनुसार जोड़ा जा रहा है। आज महोदय मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष के साथी बोल रहे हैं एक ऐसा समय था जब हम लोगों की माँ बहन मोटरी, जिसको हम लोग बोरा में बांध के ले जाता था मोटरी कहते हैं, ऐसा समय था जब हम लोगों की माँ बहन चाहे वह मकई पिसाने के लिए जाती हो, चाहे गेहूँ पिसाने के लिए जाती हो, चाहे अनाज बेचने के लिए जाती हो, माथा पर मोटरी उठा के दो दो तीन तीन किलोमीटर मार्केट जाती थी। लेकिन आज हम लोगों के सरकार में ऐसा स्थिति आ गया है, हम लोगों के सरकार में ऐसा सुख सुविधा आ गया है, आज हम लोगों के यहाँ जो पढ़ा लिखा महिला नहीं है वह भी घर से फोन करती है और ई रिक्शा आता है और उस पर बैठ के वह बाजार करती है, उस पर बैठ के वह अपना सामान बेचती है और सामान लाती है। अब सर पर मोटरी ढूंढने का काम नहीं रहा, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं का भी बहुत बड़ा विकास हुआ है। मैं आगे महोदय, आज हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है, प्राथमिकता के आधार पर हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव जी इससे पहले भी रोजगार और नौकरी के बात क्या करते थे और आज भी रोजगार और नौकरी के बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज हमारी सरकार ने आज इस बजट में युवाओं को रोजगार देने हेतु हमारी सरकार की संकल्पित है, राज्य के विभिन्न पदों एवं सेवाओं को नियुक्ति हेतु बीपीएससी को लगभग 39,000, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को लगभग 2900 तथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को लगभग 12,000, कुल 63,900 पदों की अधिसूचना भेजी गई है। उसी तरह पुलिस कर्मियों की कुल 75,543 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 90,762 के विरुद्ध 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और शेष पदों पर नियुक्ति की जाएगी। महोदय, यह हमारा सरकार है, यह हमारी सरकार की काम है और यह बजट में प्रावधान किया गया है। आगे मैं महोदय कहना चाहता हूँ, कुछ साथी हमारे बीजेपी के जो साथी हैं वह कहते हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, बिहार में विकास नहीं दिख रहा है, विकास पर बहुत सारी बात करते हैं। मैं वैसे साथी को कहना चाहता हूँ, 231 विधानसभा क्षेत्र में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हर जगह एक एक जो है अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र देने का काम किया है, उसके बाद जो है 5 उप स्वास्थ्य केंद्र देने का हर विधानसभा में काम किया, हर क्षेत्र में ये हेल्थ डेवलप सेंटर देने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष के लोगों से, इससे पहले जो आपका मंत्री मंगल पांडे जी हुआ करता था उन्होंने क्या करने का काम किया है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। महोदय, मैं आगे बताना चाहता हूँ महोदय, आज विपक्ष के साथी को परिजोर इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूँ, लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मैं चौकीदार हूँ, लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मैं चौकीदार हूँ, उसी समय समझ जाना चाहिए उसका मालिक कोई और है, उसका मालिक कोई और है, अपने मालिक के। महोदय, मैं आगे कहना चाहता हूँ कि आज बजट के क्षेत्र में जो उपलब्धि, जो सरकार की उपलब्धि रही है पूरे क्षेत्र में, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है।
चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या विवाह योजना हो, नारी शक्ति योजना हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग योजना हो, कन्या मुख्यमंत्री योजना हो, मुख्यमंत्री कन्या बालिका साइकिल योजना हो, मुख्यमंत्री पोशाक योजना हो, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हो, मुख्यमंत्री बालिका योजना हो, तरह तरह की योजनाओं चला के हमारी माता बहनों को विकास से जोड़ने का काम किया, आत्म सम्मान बनाने का काम किया। और हमारे साथी कहते हैं कि विकास नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, बगिया को सींचने में कुछ पत्तियां झर गई होगी, वही इल्जाम था हमारे सरकार के ऊपर। पैरों से कलियों के रोंदने वाले बीजेपी के लोग दबा करते हैं इस चमन का रहनुमाओं का। मैं यह महोदय कहना चाहता हूँ, महोदय समय कम रहने के चलते कुछ हमारे क्षेत्र की मांग है, उस और आपके ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। महोदय, अलौली विधानसभा के अंतर्गत अलौली प्रखंड में रामपुर अलौली पंचायत के गौर घाट कोसी नदी में महोदय जनता के बहुत दिनों से मांग है, वहां पुल बने। आपके और आपके सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अलौली गौर घाट में पुल निर्माण किया जाए। दूसरा मांग है महोदय, अलौली विधानसभा के खगड़िया प्रखंड के ओलापुर गंगौर पंचायत में बहुत दिन से पुल की स्वीकृति मिली हुई है, उसका टेंडर नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपके सदन के माध्यम से मांग करता हूँ महोदय कि वहाँ भी जो है ओलापुर गंगौर और चक्की पार में पुल का निर्माण किया जाए, ताकि जनता को सुविधा मिले। इन्हीं बातों के साथ महोदय, जय हिंद, जय बिहार, जय सरकार, जय नीतीश कुमार, जय तेजस्वी यादव। माननीय सदस्य श्री राजकुमार सिंह, एक मिनट शांति, बोलने दीजिए।